प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों की करीब 5,000 करोड़ रुपए लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ का कहर जारी, बाढ़ में अब तक 14 लोगों की मृत्यु हो गई, 102 लापता और 26 घायल। सिक्किम सरकार ने दी घटना की जानकारी। दिल्ली में आज 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया। इस सम्मेलन में आतंकवाद की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीति बनाने की चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की। हथियारों और गोला बारूद सहित 98 सैन्य हार्डवेयर इस नई सूची में शामिल किए। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए आप नेता संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। गिरफ्तारी के विरोध में आज बीजेपी ऑफिस के सामने आप नेता और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। फतेहपुर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैयदबाड़ा मोहल्ले से 3 लोगों को लिया हिरासत में। प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े होने की संभावना, दिल्ली ले गई एनआईए। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में काशी राम की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक दलित बिरादरी में पैठ पढ़ाने के लिए चलाएगी दलित गौरव संवाद कार्यक्रम। नेपाल में हुई हिंसा के बाद यूपी में जारी किया गया अलर्ट, सीमा पर बढ़ाई गई सतर्कता, संदिग्धों पर कड़ी नजर, रखने के दिए गए निर्देश, सोशल मीडिया पर नजर। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने विधानसभा और विधान परिषद के भर्ती से जुड़े दस्तावेज मांगे, हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के दिए थे निर्देश। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की मिली छूट, अब उज्ज्वला गैस सिलेंडर में 300 रुपए की मिल रही है छूट, 603 रुपए में उपलब्ध होगा गरीबों को सिलेंडर। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क विकसित करने वाले उद्यमियों को सरकार देगी सहायता। दीनी तालीम के साथ मदरसा छात्रों की नवीनतम तकनीकी ज्ञान देने पर सरकार का जोर, यहां के बच्चे भी बन सकेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और आईएएस। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू, मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 27 अक्टूबर से किया जा रहा है शुरू। झांसी के मोठ में तैनात डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी, गोरखपुर में डॉक्टर आफरीन, भदोई में ज्योत्सना सिंह और हमीरपुर की नम्रता कुमार की सेवाएं की गई समाप्त। आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लखनऊ में नए सिरे से दिशा निर्देश किए जारी, कहा बिना सत्यापन के किरायेदार रखने पर 25 के बाद होगी कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबित करने वाले आदेश पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। सरकार ने दाल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए जमाखोरों के खिलाफ करने जा रही है बड़ी कार्रवाई, सभी जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, 48 घंटे में पैमाइश के मामलों का करें निस्तारण, जमीन कब्जाने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। एशियन गेम्स 2023 में अदिति, ज्योति सुरेखा, वेनम और परनीत कौर ने चीनी ताइपे को 2-30, 2-28 के स्कोर से हराकर भारत की पदक तालिका में एक और स्वर्ण पदक जोड़ दिया। गुजरात के अहमदाबाद में आज होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के पहले मैच से पहले स्टेडियम के बाहर मौजूद क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है।